आप सभी को नमस्कार। होप यू ऑल डूइंग प्रीटी वेल। वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ड्रीम डोज। एक टॉपर किस तरीके से पेपर को सॉल्व करता है वो आज आपको दिखेगा, ठीक है। मैं फिर से बता दूं, अगर आपको लगता है कि आप कन्वेंशनल मेथड या इजी मेथड या टाइम कंज्यूम करके इस एग्ज़ाम को निकाल लोगे, कभी भी गलत फहमी में मत रहना। अगर आपको कोई बता रहा है कि पेपर इजी आएगा क्योंकि पहले पेपर इजी आया था, उनकी बातों से दूर रहिए। सिलेक्शन आपको लेना है, आप एक वेल एजुकेटेड पीपल्स हो तो आप अपना दिमाग भी लगाइए। आपको पता है 9 लाख लोग फॉर्म भरे हैं, तो कुछ तो अलग करना होगा आपको, वो है आपका टाइम मैनेजमेंट। जितना कम टाइम लोगे किसी क्वेश्चंस में, ठीक है, आप सक्सेस रेट आपका उतना ज़्यादा होगा। अब देखो एक टॉपर कैसे पेपर सॉल्व करेगा, ठीक है। रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस आने वाले, ये 2015 का मेंस का पेपर है। देखो एक व्यक्ति, आप पहले खुद से एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है, उसके बाद अप्रोच देखो कि मैं क्या समझा रहा हूँ। एक व्यक्ति पूरब की ओर, ठीक है, और ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, इससे ऊपर ही पूछा जा सकता है, ठीक है, इससे नीचे तो नहीं पूछा जाएगा। एक व्यक्ति पूरब की ओर 1 किलोमीटर चलता है, ठीक है, फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, पूर्ण वह पूरब की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, फिर वह उत्तर की ओर मुड़कर 9 किलोमीटर चलता है, वो प्रारंभिक पोजीशन से कितने दूर है, ये पूछा जा रहा है। देखो ये कर सब लोग लेंगे, करना नहीं है हमें, यहाँ सेलेक्शन लेना है, ठीक है, इसमें डिफरेंट है। सेलेक्शन उनका होगा जो क्विक करेंगे, ठीक है। अब देखो एक व्यक्ति, अब देखो इसको एक नॉर्मल छात्र कैसे करेगा और जिसको सिलेक्शन लेना है वो कैसे करेगा। अब देखो एक व्यक्ति, जैसे ही हमने ये क्वेश्चन देखा, इसको आप लिखने का भी जरूरत नहीं है, क्वेश्चन मतलब क्या, पेन उठाने की जरूरत नहीं है, बट आपके समझाने के लिए मैं थोड़ा सा पेन यहाँ उठा रहा हूँ। देखो एक व्यक्ति पूरब की ओर 1 किलोमीटर चलता है, 1 किलोमीटर में यहाँ लिखता हूँ, और कहाँ चलता है, पूरब की ओर, पूरब को मैं यहाँ ईस्ट लिखता हूँ, ठीक है, ई लिख के चलता हूँ, ठीक है, चलता है, फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, फिर दक्षिण, दक्षिण मतलब साउथ, 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है। उसके बाद बोला है पूर्ण हुआ पूरब की ओर 2 किलोमीटर चलता है, पूर्ण हुआ पूरब की ओर 2 किलोमीटर चलता है, ये बोला गया, ठीक है, चलता है। फिर हुआ उत्तर की ओर मुड़कर 9 किलोमीटर चलता है, उत्तर की ओर मुड़कर 9 किलोमीटर चलता है, नॉर्थ में लिख देता हूँ, ठीक है। अब पूछा है कि वो प्रारंभिक स्थान से कितने दूरी पे। अब देखो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आए, सबसे पहले ये लिखोगे, ये भी लिखना नहीं पड़ेगा, मैं अभी दिखाऊंगा कि इसको भी कैसे आप फास्ट कर सकते हो। देखो सबसे पहले देखो ईस्ट ईस्ट, ठीक है, पूरब पूरब कितना है, 2 यहाँ है 2 किलोमीटर पूरब यहाँ चला है, 2 किलोमीटर यहाँ चला है, तो टोटल पूरब दिशा ईस्ट में कितना चला हुआ है, तो टोटल 2 किलोमीटर वो ईस्ट चला है, 3 किलोमीटर, ठीक है। अब देखो ये नॉर्थ में है, उत्तर में है, और ये आपका दक्षिण में है, तो ये दोनों तो ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो ये ऑपोजिट जब भी हो माइनस कर देना है आपको। तो 9 में से 5 गया 4 4, और 4 क्या बचेगा, ये नॉर्थ का बचेगा क्योंकि नॉर्थ यहाँ ज़्यादा है, तो एक जगह आ रहा है आपका 3 किलोमीटर ईस्ट, ठीक है, और दूसरा आ रहा है आपका 4 किलोमीटर नॉर्थ, मतलब वो कहीं भी होगा, इन दोनों के बीच में होगा, ठीक है। तो जो आपका आंसर होगा, ये नॉर्थ में जा रहा है, ये ईस्ट में जा रहा है, ठीक है, तो जो आंसर होगा ये देखिए 3 है, ये 4 है, ये 888 को फॉर्म करेगा, 888 जो पाइथागोरस थ्योरम। तो जो आंसर जो होगा आपका ये हो जाएगा, आपका कितना, 3 4 और 5 जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आया हो या नया हो। अब इसको देखो, अगर एक ये तो बनाएगा कौन, जिसका सिलेक्शन है। अब नॉर्मल बच्चे क्या करेंगे, इसी को इस तरीके से बनाएंगे, देखो, ठीक है, इस तरीके से बनाएंगे, ये नॉर्थ लिख देता हूँ मैं, यहाँ साउथ लिख देता हूँ, यहाँ ईस्ट लिख देता हूँ। सबसे पहले उसने क्या बोला कि 1 किलोमीटर ईस्ट, तो 1 किलोमीटर मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। उसके बाद 5 किलोमीटर साउथ, फिर से यहाँ 5 किलोमीटर साउथ चला, ठीक है। उसके बाद 2 किलोमीटर फिर से ईस्ट, तो 2 किलोमीटर फिर से ईस्ट मतलब पूरब चला, ठीक है। और उसके बाद 9 किलोमीटर फिर से उत्तर चला, तो मैं यहाँ 9 किलोमीटर ले लेता हूँ, ठीक है, 9 किलोमीटर। इतना आप बनाओगे पहले, ठीक है, बनाओगे ही बनाओगे, ठीक है। अब देखो यही डिफरेंस पैदा करता है, अब 9 किलोमीटर टोटल है, यहाँ 5 हो जाएगा क्योंकि ये 5 नीचे चला है, तो ये भी 5 होगा, ठीक है, और ऊपर आपका 4 हो जाएगा। उसका आरंभिक क्या है, ये यहाँ से स्टार्ट किया था और अब वो यहाँ पहुँच गया, तो देखो ये तो 4 है और ये 1 है और ये यहाँ आपका कितना है, 2 है, तो ये वाला जो टोटल हो गया आपका कितना हो गया, 3 हो गया नीचे वाला, और ठीक है, और ये वाला कितना हो गया आपका, ये 4 हो गया, तो 3 यहाँ है 4 यहाँ है, और इसका अगर मुझे निकालना है, आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम आपका लग जाएगा, ठीक है, और ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, तो 3 है ये 4 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा,
ये तो पता होगा ना 888, या इसको आप निकालो 3² + 4² दोनों को ऐड करो तो 25 आ जाएगा, ठीक है, और रूट मारोगे तो 5 आ जाएगा। ये एक तरीका होगा जो नॉर्मल बच्चे करेंगे, और ये जो तरीका होगा वो मिंटोस वाले जिंदगी वाले बच्चे करेंगे, ठीक है। तो आपको मिंटोस वाला बनना है, ठीक है, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है, आपको सिर्फ फॉर्म भरना नहीं है 9 लाखों में। अब ध्यान से समझना कि इसको आपको इतना भी नहीं करना है। देखिए, और एक चीज, आपको तो यहाँ सिर्फ बेसिक पूछा है कि कितना किलोमीटर दूर है, आपको वो ये भी पूछ सकता है कि 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में होगा या 5 किलोमीटर साउथ ईस्ट में होगा। तो देखो, जो आपका यहाँ आंसर आया 3 किलोमीटर और 4 किलोमीटर, ठीक है, 3 किलोमीटर और 4 किलोमीटर, क्या है नॉर्थ ईस्ट, मतलब क्या टोटल कितना 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होगा। अगर वो भी पूछता तो यहाँ से निकल जाता, ठीक है। समझ में आया कि किस तरीके से करना है? यही तरीका है जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा। मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, और याद रखना पेपर इजी आएगा। अगर कोई बोल रहा है कि ये कर लो वो कर लो, चक्कर में मत रहना, नहीं तो चक्कर आ जाओगे फिर। अब ये क्वेश्चन देखो, इसको डायरेक्टली मैं बताता हूँ कि एग्जाम में बच्चे कैसे सॉल्व करेंगे मेंटोस वाले, ठीक है। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर, ठीक है, अब यहाँ देखो दिमाग एकदम शांत रखना, ठीक है, विद इन ए सेकेंड आप आंसर मारोगे कि कैसे आएगा। देखो, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, ठीक है, वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, सुई कैसे घूमता है क्लॉकवाइज, सुई की विपरीत दिशा एंटी क्लॉकवाइज, तो ये सुई वाला है, ठीक है, वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 135 मुड़ता है, और फिर घड़ी की सुई की दिशा में 180 मुड़ता है, ठीक है। अब वह किस दिशा में खड़ा होगा? अब देखो, जो थोड़ा मेंटोस वाले होंगे उन लोग कैसे करेंगे, मेंटोस वाले जो जिंदगी वाले बच्चे हैं, देखो फनी वे में पढ़ना है बट एकदम तगड़ा होके पढ़ना है, मतलब इस तरीके से पढ़ो कि सबको पीछे छोड़ दो एकदम, ठीक है, पर माइंड में, फिर से बता रहा हूँ, लोड लेके नहीं पढ़ना, अरे ये पढ़ना है कैसे होगा, सब होगा, ठीक है, और बेहतरीन तरीके से होगा। चैनल का जो व्हाट्सएप का जो लिंक है नीचे है, ठीक है, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन जरूर हो जाइए, और मेरा व्हाट्सएप नंबर सेव कर लेना ताकि स्टेटस आपको दिखे कि क्या क्या मैं अपडेट करता हूँ वहाँ, ठीक है। बाकी कोर्स भी स्टार्ट कर दिया गया, आप ज्वाइन कर सकते हो। चलो, सिलेक्शन के लिए सिर्फ वो कोर्स है। चलो, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, वह घड़ी की दिशा में कितना चलता है, घड़ी की दिशा में 135 डिग्री चलता है, ठीक है, मतलब क्लॉकवाइज ही बोलता है इसको, ठीक है, मतलब घड़ी की दिशा, फिर से एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज में विपरीत चला है, और फिर से सुई की दिशा में 180 किलोमीटर, तो सुई की दिशा में 180 डिग्री है यहाँ, ठीक है, किलोमीटर चला, तो पूछा है अब वह किस दिशा में होगा। अब देखो, बहुत बच्चे इसमें क्या करेंगे, अपना दिमाग लगाएंगे और वो इस तरीके से यहाँ ड्रॉ करेंगे, फिर से यहाँ देखेंगे, फिर से इधर घुमाएंगे, कुछ नहीं घुमाना है, ठीक है, नहीं तो एग्जाम में घूमोगे फिर। बस इतना आपको दिमाग में रखना है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाए, सबसे पहले वो कितना घुमा है, 135 घुमा है, कितना एंटी क्लॉकवाइज घुमा है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब विपरीत दिशा में, किसके विपरीत दिशा में घुमा है वो आपका, किसके विपरीत दिशा में, आपके घड़ी के विपरीत दिशा में, मतलब 135 वो इधर गया होगा, ठीक है। फिर से बोला है कि घड़ी की दिशा में कितना चल रहा है, 180, तो 180 कितना, ये इधर गया होगा, तो इन दोनों का डिफरेंस लोगों सबसे पहले जब भी इस टाइप का क्वेश्चन बोले, और भी ये घुमा ले 25 डिग्री इधर घुमा ले, फिर से 20 डिग्री उधर घुमा रहे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाते रहे, कोई मतलब नहीं है। बस हमें ये देखना है कि वो घड़ी के दिशा में कितना जा रहा है और घड़ी के विपरीत दिशा में कितना जा रहा है, दोनों को माइनस करो, 140 अगर इसे मान लेते हैं तो 45 डिग्री हमारा आ रहा है घड़ी के दिशा में, यही ना आएगा घड़ी के दिशा में 45 डायरेक्शन। पहले वो कहाँ था, पहले वो था कहाँ, देखो एक व्यक्ति दक्षिण की दिशा की ओर मुंह, तो वो दक्षिण में था, यहाँ था, ठीक है, और 45 डिग्री कहाँ, घड़ी के सुई में घूमना है तो इधर घूमेगा, 45 डिग्री यहाँ होगा, ठीक है, यहाँ था 45 डिग्री यहाँ आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि टोटल आपको पता है यहाँ से यहाँ तक 90 होता है, तो ये बीच में यहाँ आ जाएगा, तो जब ये बीच में यहाँ आ जाएगा तो ये क्या है, साउथ है, और ये क्या है आपका, ईस्ट है, तो साउथ ईस्ट जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा, तो ये साउथ है और ये ईस्ट है, इसका सही डायरेक्शन हो जाएगा। आपको नहीं उठाना था, अब ये दोनों क्वेश्चन पता है आपको पेन उठाना नहीं था, बच्चे वो उठाएंगे जिनको सिलेक्शन नहीं चाहिए, आप डायरेक्टली देखते इन दोनों को माइनस करते, आपका 45 आता, 45 क्लॉकवाइज आ रहा है, और क्या बोला था, दक्षिण से उसने स्टार्ट किया था, तो दक्षिण दिशा के अगर आप इधर जाते हो क्लॉकवाइज डायरेक्शन 45 डिग्री, आपको पता है ये बीच में आएगा, यहाँ ये साउथ है, यहाँ ये ईस्ट है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन आएगा, ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। और ये वाला जो क्वेश्चन था जो मैंने आपको पहले करवाया, ठीक है,
जो मैंने आपको पहले करवाई ये भी आपको ये भी नहीं लिखना है, ठीक है। अब वो कैसे होगा सर? तो वो ऐसे होगा क्योंकि आपको डायरेक्टली देखना है। अब देखो ये आप पेन नहीं उठाना है, ठीक है, पेन उठाना है, पेन एक्सट्रीम केस में उठाना है। एक्सट्रीम मतलब क्या? जब लगे कि हाँ अब ये नहीं हो। अब देखो एक व्यक्ति पूरब की ओर कितना 1 किलोमीटर, मतलब ईस्ट 1 किलोमीटर पेपर में लिख दिया, ईस्ट 1 किलोमीटर। फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर कहाँ? साउथ चल रहा है, दक्षिण चल रहा है, ठीक है। पूर्व पूरब की ओर 2 किलोमीटर चलता है, तो फिर से यहाँ 2 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, फिर से यहाँ हो गया, और फिर से 9 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। सिंपल है, जो मुझे दिख रहा है यहाँ 2 किलोमीटर क्या है, यहाँ आपका पूरब है 1 किलोमीटर, यहाँ पूरब है, तो टोटल पूरब कितना हो गया? 3 हो गया, 3 किलोमीटर ईस्ट दिमाग में रखेंगे, ठीक है। और 5 किलोमीटर क्या है आपका? यहाँ साउथ है, और 9 किलोमीटर आपका क्या है? नॉर्थ है, तो इन दोनों तो माइनस हो जाएगा क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो कितना बचेगा? 4 किलोमीटर आपका क्या बच जाएगा बोलिए? 4 किलोमीटर आपका नॉर्थ बच जाएगा, और इन दोनों का बीच में कहीं होगा, ये 4 है, ये 3 है, तो 5 इसका आंसर होगा। इस तरीके से अप्रोच करना है। थैंक यू सो मच। देखो हो सकता है कि ये चीज़ आपको लगे कि ये कैसे, बट यही है जो सिलेक्शन आपको दिलवाएगा। आप याद रखना, आपके साथ जो SSC के जो मेंस वाले हैं जिनका वहाँ फाइनल नहीं हो रहा है, वो भी आपके साथ बैठेंगे, ठीक है। जो आपका बैंकिंग वाले हैं वो भी आपके साथ बैठेंगे, तो अपने आप को उस हिसाब से प्रिपेयर करो। कोई बोल रहा है कि ये हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। मेहनत आपको पता होना चाहिए कि आपका फाइट किससे होने वाला है, ठीक है। आप अकेले फाइट में नहीं हो इस रेस में, आपको पता होना चाहिए कि आप किससे लड़ने वाले हो, तभी आप विजेता होगा। सो थैंक यू सो मच। चैनल पे नो सब्सक्राइब कर लेना है। जय हिंद।